हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल। देखिए व्यूवर्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये खट्टे आम की चटनी या खट्टे आम की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। एक होती है चटनी और एक होती है सब्जी। इसे लोग सब्जी भी कहते हैं और इसे लोग जैम भी कहते हैं। एक तरह से आप इसे जैम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनती है, ये एक किलो मैंने अम्बी ली है, इसको मैंने धो के सुखा लिया है। अब मैं इसका जैसे करके छिलका उतार दूँगी सारा। ये देखिए, इस तरह से हमें अब इसका पतला पतला छिलका उतार देना है अम्बी का। चाहो तो थोड़ा मोटा उतार लो, चाहे तो पतला उतार लो, जितना पतला उतारोगे सही है। कई लोग छिलके समेत भी बनाते हैं, लेकिन वो छिलका फिर मुंह में आता है, इसलिए मैं छिलका उतार के ही बनाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये अम्बी सारी जो छिलकर सारी काट ली है। इस तरीके से आप गुठली के ऊपर से सारा गुद्दा उतार के इस तरह से पूरा काट लीजिए। देखिए जैसे ये सारा गुद्दा उतर गया, ये उतर गया सारा गुद्दा। और अब हम इसे सब्जी बनाएंगे। इस तरह से आप आराम आराम से उतार सकते हो। ये देखिए, ये एक किलो अम्बी का हमने काट लिया। देखिए व्यूअर्स, अब हमने क्या क्या लिया। मैंने एक किलो अम्बी ली थी, ये देखिए एक किलो अम्बी थी। आधा किलो चीनी है, ये 500 ग्राम। लाल मिर्ची, जीरा, नमक, काली मिर्च और ये है चाट मसाला। अब इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे सरसों का तेल है, देखिए धारा का। और ये सब्जी अगर आप जब घर पे बनाएंगे तो सब मतलब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। आप इसे किसी भी चाय समोसे के साथ, पकोड़ों के साथ, सैंडविच के साथ और कुछ नहीं तो खाली ब्रेड में ये चटनी लगा के खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच इसमें तेल ले लिया। 1 किलो अम्बी में मैंने 2 चम्मच तेल लिया। देखिए मैंने इसमें ये एक किलो अम्बी में ये 1 चम्मच जीरा लिया है। ये हमारा फ्राई हो रहा है। देखिए आप गैस स्लो कर लें साथ में, ताकि आपके ऊपर छीटे ना पड़े, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डालेंगे इसमें ये 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच से भी ज्यादा ही डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, बड़ा देखिए ये वाला स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला है, ये देखिए मैंने इसके ढक्कन में ही ले लिया है। ये भी मैंने ये 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच। उसके बाद ये मैं काली मिर्ची ले रही हूँ, ये देखिए ये भी मैंने 1 चम्मच से थोड़ा 1 चम्मच ही लिया, ये मैंने ढक्कन में ही ले लिया। उसके बाद आप दोबारा से गैस जला लो, ताकि जीरा तो हमारा लाल हो गया था। अब हम इस मसाले को सारा भून लेंगे अच्छी तरह। ये सब्जी आपकी 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाती है, कोई ज्यादा देर नहीं लगती सब्जी बनाने में। ये देखिए, अब मैंने सारा मसाला डाल दिया इसमें तेल में, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अम्बी। और इस सब्जी में पानी नहीं डालते, क्योंकि जो अम्बी होती है, आम होता है, इसमें खुद का ही पानी होता है। और अब हमें गैस कर लेनी है बिल्कुल डिम, बिल्कुल स्लो करके गैस, और तब हमें ये बनानी है। देखिए आंबी जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगी, तो हमें और पानी डालने की जरूरत नहीं है। और ये सब्जी खाने में बहुत चटपटी होती है, मतलब आप सोच सकते हैं आंबी की तो सब्जी अच्छी लगेगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने गैस बिल्कुल स्लो रखनी है, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। देखो अब हमारी अम्बी गलनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें ये आधा किलो है चीनी, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। देखिए आधा किलो से मैंने थोड़ी सी कम डाली है। इसके बाद हमें इसे चलाना है और लगातार चलाते रहना है, जब तक कि ये पूरा एकदम से जैम की तरह बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जब ये अब तैयार हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे जब चीनी डालते हैं तो चीनी अपना थोड़ा पानी छोड़ती है, उसको पानी को सुखाना है आपको। ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ी होती जाएगी एकदम से। आपको ऐसे हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, ताकि चिपक के ख़राब ना आए टेस्ट। इस तरह से इसे धीरे धीरे हिलाते रहिए।